वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है साइंस के क्वेश्चंस जो एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया था। और ये जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हुआ था 4 जून 2019 से 13 जून 2019 के बीच में। तो इससे इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे साइंस से, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों को कवर किया जाएगा और तीनों को अलग अलग कवर किया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हिस्ट्री का एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न नहीं देखा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पे लिंक दिया हुआ यूट्यूब का, वहां से आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का हमारा। और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए मेटलॉइड, कौन सा तत्व तो एक मेटलॉइड है, ये पूछा जा रहा है। इसमें से कौन सा एक तत्व है जो मेटलॉइड है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेटलॉइड होता क्या है। तो मेटलॉइड जो होता है वो एक मेटल और जो नॉन मेटल होता है उसके बीच का वो उसमें प्रॉपर्टीज होता है, यानी कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग सेमी मेटल्स भी बोल सकते हैं। तो जैसा कि आपको इस पीरियडिक टेबल में दिख रहा होगा, ये पीरियडिक टेबल में आपको दिख रहा होगा जो ब्लू कलर का है, ये ब्लू कलर का जो है ये मेटल है, ये सारा जो है ये मेटल है। इसके अलावा जो ग्रीन कलर का है वो नॉन मेटल है, जैसे कि हाइड्रोजन, इधर से कार्बन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये सारा क्या है, ये सारा नॉन मेटल है। और इसके अलावा जो बच जाता है हमारा येल्लो कलर वाला, यानी कि हमारे पास जो है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलीडियम, पोलोनियम, ये जो है हमारा ये क्या है, ये मेटलॉइड की श्रेणी में आता है। तो आपको इसे याद करना पड़ेगा। तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलीडियम और पोलोनियम, ये सारा क्या है, ये सारा मेटलॉइड है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, आने वाले एग्जाम में ये किसी भी में से एक पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा मेटलॉइड है। तो यहाँ पे ये सब मेटलॉइड है हमारा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है, चार ऑप्शन में, जैसा कि आपको दिख रहा है, इस चार ऑप्शन में जो सिलिकन है ऑप्शन नंबर थर्ड, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलिकन क्या है, सिलिकन एक मेटलॉइड है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर टू है हमारा, मिथाइल प्रोपेन इज एन आइसोमर ऑफ, तो मिथाइल प्रोपेन किसका आइसोमर है। तो प्रोपेन और मिथाइल कितना हो गया, चार कार्बन हो गया, चार कार्बन, प्रोपेन में तीन कार्बन, एक मिथाइल में कार्बन, चार कार्बन, चार कार्बन किसका होता है, ये ब्यूटेन का होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, नॉर्मल ब्यूटेन, यानी कि ब्यूटेन, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच गैस इट्स सॉलिड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस, तो कौन सी गैस को शुष्क वर्ग के रूप में भी जाना जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है सॉलिड स्टेट में इसे ड्राई आइस भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन इज प्रीडोमिनेंट इन, तो कैटिनेशन क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कैटिनेशन क्या होता है। तो कैटिनेशन ये होता है जिसमें कि सेम एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड बनता है, यानी कि कोई एक एलिमेंट है ए, उसके बीच में खुद में एक बॉन्ड बन जाए ए, फिर ए बन जाए, फिर ए बन जाए, तो सेम एलिमेंट में जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं कैटिनेशन। तो जैसा कि आपको पता है कार्बन जो होता है, कार्बन में क्या होता है, खुद में बॉन्ड बनता है, कार्बन के खुद में बॉन्ड बनता है। तो जो कैटिनेशन का जो प्रॉपर्टीज होता है वो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, वो कार्बन में पाया जाता है। हालांकि सल्फर, नाइट्रोजन, सिलिकॉन में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट यहाँ पूछा जा रहा है, प्रीडोमिनेंट। तो प्रीडोमिनेंट किसमें होता है, वो होता है कार्बन में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, कार्बन। जैसा कि आपको दिख रहा है सी सी सी, यहाँ सी बन रहा है, सी सी के बीच में बन रहा है। तो बॉन्डिंग ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट जिसमें होगा, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। और कैटिनेशन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है कार्बन एटम्स में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव, बकमिंस्टर फ्लोरेंस इज एन एलोट्रॉप ऑफ, तो बकमिंस्टर फ्लोरेंस एक अपर रूप है किसका। तो जिसे हम लोग बकमिंस्टर क्या बोलते हैं, C60 भी बोलते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है C60 का, वो होता है केज लाइक फ्यूज्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो C60 होता है, जो स्ट्रक्चर होता है फ्यूज्ड रिंग स्ट्रक्चर, उसमें हेक्सागॉन्स जो होते हैं वो 20 हेक्सागॉन्स एंड 12 पेंटागॉन्स, 12 क्या होता है, पेंटागॉन्स, 20H और 12P होता है। ये एग्जाम में आ सकता है किसमें कितना हेक्सागॉन्स होता है और कितना पेंटागॉन्स होता है इसके स्ट्रक्चर में, किसके स्ट्रक्चर में, बकमिंस्टर फ्लोरेंस के स्ट्रक्चर में कितना हेक्सागॉन्स और कितना पेंटागॉन्स हो सकता है। तो कितना हेक्सागॉन्स है, ये है 20 हेक्सागॉन्स, और पेंटागॉन्स कितना है, ये है 12 पेंटागॉन्स। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन। और ये सब बातें भी आपको याद रखनी है, 20 हेक्सागन जैसा कि आप देख सकते हैं ये हेक्सागन से हमारा, इसके अलावा जो ये पेंटागन है, ये पेंटागन है, तो टोटल 20 हेक्सागन और 12 पेंटागन होता है।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए स्ट्रॉन्गली फ्रूट फ्रेगनेंस, निम्नलिखित में से किसमें एक तीव्र फल सुगंध होता है। तो जो इथेनॉल और एसिटिक एसिड का जो एस्टर होता है दैट इज कॉल्ड इथाइल एसिटेट, उसमें जो होता है फल सुगंध पाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्डिहाइड, निम्नलिखित में से कौन एक एल्डिहाइड है। तो जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, उसमें एल्केन में से ई हटा के जो एल ऐड करते हैं दैट इज कॉल्ड एल्डिहाइड। जैसे कि मिथेन में से एल ई हटा के एल लगा दो मिथेनॉल ब्यूटेनॉल, और इस तरह से हमारा क्या हो गया प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज डिपोजिटेड ऑन आयरन इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन, तो गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है। तो लोहे पर क्या जमता है, लोहे पे जिंक जमता है। तो लोहे पे क्या लगता है, लोहे पे जिंक लगाया जाता है ताकि क्या हो, लोहा जल्दी से जल्दी उसमें जंग ना लगे, वो क्रोजन रेसिस्टेंट बन जाए आयरन। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, तो मोस्ट डक्टाइल मेटल्स जो होगा वो कौन सा हो जाएगा। तो मोस्ट डक्टाइल मेटल हमारा गोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिया गया, इस चार ऑप्शन में जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा गोल्ड। हालांकि डक्टाइल मेटल जो होता है मैक्सिमम जो मोस्ट होता है वो प्लेटिनम होता है, और जो मेलिएबल मेटल होता है वो गोल्ड होता है। इसके अलावा आपको सिल्वर भी याद रखना है। सिल्वर क्या होता है, सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। ये तीन चीज याद रखना है, तीन मेटल याद रखना है, प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर, तीनों के प्रॉपर्टीज याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो यहाँ पूछा जा रहा है इन चार में से सबसे मोस्ट क्या है रिएक्टिव मेटल का। तो जैसा कि आपको पता है मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो होता है पीरियोडिक टेबल में वो फ्रांसियम होता है, लेकिन फ्रांसियम क्या है, एक आर्टिफिशियल एलिमेंट है। फ्रांसियम एक आर्टिफिशियल एलिमेंट है लेकिन इसलिए ये नहीं होता है। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो होता है वो हमारा सीजियम होता है, जो नेचुरल पाया जाता है। तो सीजियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है सीजियम। तो जो हम देखते हैं तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल में जैसा कि आपको पता है ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप टू ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स में आता है, जैसे कि लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम ब्रेनियम, ये सारा जो है मोस्ट एक्टिव मेटल्स में आता है। इसके बाद जो उससे कम एक्टिव मेटल होता है दैट इज कॉल्ड लेस एक्टिव मेटल, वो होता है मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक और मैग्नीज। इसके बाद जो स्ट्रक्चरल मेटल्स होता है, जो मेटल जिसका स्ट्रक्चर बनता है जो हेवी होता है यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है, तो यह क्रोमियम आयरन टीन लेड और कॉपर, ये सब क्या है, ये सब स्ट्रक्चरल मेटल में आता है। इसके अलावा जो क्वानिज मेटल होता है, क्वानिज यानी कि जो जिसका रिएक्टिविटी बहुत ही कम होता है, ये रिएक्ट नहीं करता है, रिएक्ट नहीं करने के कारण ही इसका जो यूज होता है वो कहाँ होता है, वो ज्वेल बनाने में, सोना के आभूषण बनाने में किया जाता है, जैसे कि सोना का आभूषण हुआ या चांदी का आभूषण हुआ या प्लेटिनम हुआ, ये सब जो होता है इसमें यूज होता है। तो ये सब इसमें आता है क्वानिज मेटल में। तो सबसे एक्टिव मेटल्स कौन सा होता है, लिथियम सोडियम पोटासियम रूबियम सीजियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, ये सब होता है। तो जैसा कि चार ऑप्शंस में आपको दिख रहा है कैल्शियम ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर भी आपको ये सब भी याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। रस्ट नीड्स 3 कंपोनेंट्स टू अकर, दैट इज तो रस्ट जो होता है जो जंग लगता है वो 3 कंपोनेंट के कारण होता है। 3 कंपोनेंट के कारण रस्ट लगता है, वो कौन कौन सा कंपोनेंट है। तो वो कंपोनेंट है सबसे पहले तो आयरन होना चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन होना चाहिए, और तीसरा मॉइस्चर। मॉइस्चर यानी कि वहां पे वाटर होना चाहिए, नमी होना चाहिए, तभी जाके रस्ट लगता है। और यही आयरन और ऑक्सीजन जो है वाटर जो नमी होता है वो सब रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे हम लोग रस्ट बोलते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा आयरन ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉयज द ओजोन लेयर, तो निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है। तो ओजोन परत को क्लोरीन और ब्रोमीन, ये जो मेनली दो होता है, ये दोनों जो है एटम्स स्ट्रेटोस्फीयर में जाके ओजोन को नष्ट कर देता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्लोरीन। क्लोरीन के अलावा हमारा ब्रोमीन एटम्स भी होता है। तो जैसे कि 1 क्लोरीन एटम्स जो होता है, 1 क्लोरीन एटम जो होता है 100,000 ओजोन मॉलिक्यूल्स को नष्ट कर सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्लोरीन। अगर क्लोरीन ना हो इसके जगह ब्रोमीन हो तो ब्रोमीन भी इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फाउंड इन एप्पल, तो एप्पल में कौन सा एसिड होता है। तो एप्पल में मैलिक एसिड होता है। एप्पल में क्या पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा जो मैलिक एसिड होता है वो किसमें पाया जाता है, वो वाइन में पाया जाता है, रबर में पाया जाता है, और ग्रेप्स में भी मैलिक एसिड पाया जाता है।
और इसका जो फॉर्मूला होता है वो C4H6O5 भी इसको बोलते हैं। और मेलिक एसिड को हम लोग डाइकार्बोजैलिक एसिड भी बोलते हैं, ये भी एग्जाम में आ सकता है। मेलिक एसिड की जगह आपको ये नाम दिया जा सकता है डाइकार्बोजैलिक एसिड, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग्स द फ्यू कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स नॉट क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कैटिनेशन क्या होता है, उसमें कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड होते रहता है, प्रीडोमिनेंट होता है कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, तो सबसे ज्यादा इसी पाया जाता है, जिसके कारण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप बोल सकते हो डेवलप किया गया बेस्ड ऑन कार्बन एटम्स। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिक नहीं माना जाता है, उसे ऑर्गेनिक नहीं माना जाता है, तो वो कंपाउंड है हमारा कार्बाइड्स, कार्बोनेट्स एंड साइनाइड्स। तो एग्जाम में यहाँ पे तो आपको साइनाइड्स दिया गया है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको कार्बाइड्स ही पूछा जा सकता है और कार्बोनेट्स भी पूछा जा सकता है। तो एग्जाम में अगर साइनाइड्स की जगह कार्बाइड्स हो तो वो भी आंसर हो सकता है और कार्बोनेट्स भी आंसर हो सकता है। ये तीनों जो होता है, ये तीनों क्या होता है, ऑर्गेनिक नहीं होता है, नॉट क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक होता है, यानी कि ये इनऑर्गेनिक में आता है। ठीक है, तो ये याद रख ले, आपको ये कहाँ आता है, ये इनऑर्गेनिक में आता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर। तो जो मेटल ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, वो मेनली क्या होता है, मेनली वो बेसिक होता है। तो एग्जाम में आपको पूछा जाए तो आप बोल सकते हो ये बेसिक, मेनली बेसिक होता है। इसके अलावा नॉन मेटल जो होगा वो ज्यादातर एसिडिक होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। नॉन मेटालिक एसिड्स जो ऑक्साइड्स जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज मार्बल कैंसर। मार्बल कैंसर क्या है, तो मार्बल कैंसर क्या है, ये है कि जैसे कि वातावरण में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो घुल जाता है वो बाद में क्या होता है, वो बाद में क्या करता है, वो बाद में जो मॉइस्चर है वो एयर से मॉइस्चर लेता है और एसिड्स में तब्दील हो जाता है। ये क्या होता है, एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये यही एसिड्स बाद में जब बारिश होती है, जब बाद में बारिश होती है तो ये क्या होता है, ये मार्बल पे गिर के, जब ये मार्बल पे गिरता है तो फिर क्या होता है, मार्बल पे गिरने के कारण जो मार्बल में कैल्शियम होता है, जो मार्बल में कैल्शियम होता है वो कैल्शियम डिजोल्व हो जाता है और क्या बन जाता है, साल्ट बन जाता है। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि ये जो मार्बल में जो कैल्शियम होता है वो साल्ट बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, मार्बल का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है या फिर पीलापन आ जाता है या फिर क्षय हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मार्बल कैंसर। ठीक है, जैसे कि आपको ताजमहल दिख रहा है, ताजमहल में भी आजकल जो उसका व्हाइट शाइनी है, जो चमक है, वो चमक कम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस एसिड्स, जो बारिश होने के समय एसिड्स गिरता है वो। इसीलिए ताजमहल के आसपास बहुत सारे जो कल कारखाना था उसे बंद करवा दिया गया है ताकि ताजमहल को नुकसान ना पहुंचे। तो मार्बल कैंसर क्या है, मार्बल कैंसर है क्रोजन ऑफ मार्बल ड्यू टू एसिड रेन। क्रोजन ऑफ मार्बल ड्यू टू एसिड रेन, अम्ल वर्षा के कारण संगमरमर का जो क्षरण होता है, दैट इज कॉल्ड मार्बल कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। विलियम क्रूक्स वाज ए फिजिकल केमिस्ट हु डिस्कवर्ड एंड नेम्ड द एलिमेंट। तो विलियम क्रूक्स ने कौन सा एलिमेंट को डिस्कवर किया था, तो थेलियम को उन्होंने डिस्कवर किया था, थेलियम को उन्होंने डिस्कवर किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1897 बाय। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा जे जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19। डैश वाज द फर्स्ट पर्सन टू आइसोलेट मीथेन गैस। तो जो सबसे पहला व्यक्ति था जिसने मीथेन गैस को आइसोलेट किया था, और ही डिस्कवर्ड दैट मीथेन गैस, मीथेन मिक्स्ड विद एयर कुड बी एक्सप्लोडेड यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्पार्क। तो मीथेन में विस्फोट भी किया सकता है इलेक्ट्रिक चिंगारी लगा के, इसने डिस्कवर किया था। तो किसने किया था, ये किया था अलेक्जेंड्रो वोल्टा। अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने सबसे पहले पता लगाया था कि मीथेन को एयर के साथ मिक्स करते इसे एक्सप्लोड किया जा सकता है इलेक्ट्रिक स्पार्क के थ्रू। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अलेक्जेंड्रो वोल्टा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एन एक्टिनाइड। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक एक्टिनाइड है। तो एक्टिनाइड जो है वो ग्रुप थर्ड में आता है। ग्रुप थर्ड में जैसे कि थोरियम, प्रोएक्टियम, यूरेनियम, नेप्च्यूनियम, प्लूटोनियम, एरिकियम, क्यूरियम, ये सब जो आता है, ये सब किस में आता है, ये एक्टिनाइड सीरीज में आता है। और यहाँ जो चार ऑप्शन दिया गया है इसमें क्यूरियम जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। इसलिए आपको जो है ये पीरियडिक टेबल है ये आपको याद होना चाहिए। पीरियडिक टेबल याद होने से आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन होंगे इनऑर्गेनिक क्वेश्चन होंगे वो सारे आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में यह लेंथनाइट सीरीज, यह है एक्टिनाइट सीरीज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21। लॉ ऑफ ऑक्टेव सेज दैट इफ द केमिकल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, दोज विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अकर आफ्टर ईच इंटरवल ऑफ डैश एलिमेंट। तो लॉ ऑक्टेव कहता है कि अगर जो केमिकल एलिमेंट्स है उसको अरेंज किया जाएगा एटॉमिक वेट, जो एटॉमिक वेट होगा, जो परमाणु का भार हो गया, उसके अनुसार अगर इसको सजाया जाएगा
इसके अनुसार अगर इसको सजाया जाएगा तो जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है जो बन रहा है, इसमें जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, हर सेवन एलिमेंट्स के बाद क्या होगा, वो सिमिलर होगा, वो बराबर होगा। तो कितने एलिमेंट के बाद? वो होगा सेवन एलिमेंट्स के बाद। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो यही लॉ ऑफ ऑक्टेव का कहना है कि एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अगर सजाया जाए एलिमेंट्स को, तो इसका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो सिमिलर होगा आफ्टर एवरी सेवन एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड बाय लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये किसका कहना है, ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे जो सीजल में पूछा गया था कि ये किसका कहना है। खैर, यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, सेवन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ए लेंथेनाइड, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक लेंथेनाइड है। तो मैंने आपको बताया था कि पीरियडिक टेबल आपको याद होना चाहिए, और यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा सीरियम। सीरियम इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसा कि इस पीरियडिक टेबल में भी आप देख रहे हैं, पोलोनियम जो है वो मेटलॉइड में आता है और सीरियम जो होता है वो लेंथेनाइड में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23। इन हिज पीरियडिक टेबल मेंडलीव कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजीशन टू, तो मेंडलीव ने किसको एक करेक्ट पोजीशन नहीं दिया, किस एलिमेंट को एक करेक्ट पोजीशन नहीं दिया, तो ये पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आपको पता है, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन में जो प्रॉपर्टीज होता है वो एक अल्कली मेटल्स की तरह इसमें प्रॉपर्टीज होता है। अल्कली मेटल्स जैसे कि सोडियम हुआ, सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करके NaCl बना लेता है, पोटासियम भी KCl बना लेता है, तो जस्ट लाइक हाइड्रोजन भी क्या करता है, ये भी HCl बना लेता है। तो इसमें ये भी प्रॉपर्टीज पाया गया, तो इसलिए हाइड्रोजन इस ग्रुप में भी हो सकता था जिसमें सोडियम पोटेशियम हो, उस ग्रुप में भी आ सकता था। या फिर जो हाइड्रोजन होता है उसमें जैसे कि जो हेलोजन का प्रॉपर्टी है उसके उसके सिमिलर भी हाइड्रोजन पाया गया है। हाइड्रोजन भी एक डायटोमिक एलिमेंट है, तो ये इसमें भी आ सकता था हेलोजन में। इसी कारण से मेंडलीव जो है वो हाइड्रोजन को किस ग्रुप में रखा जाए वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था, वो कंफ्यूज हो जा रहा था। तो वो कौन सा एलिमेंट था, वो एलिमेंट था हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24। हु अमंग द फॉलोइंग गेव द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, तो अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या होता है। ये होता है कि अगर एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अगर हम एलिमेंट को सजाते हैं तो हर सातवां जो सात एलिमेंट्स के बाद जो एलिमेंट होगा उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम सिमिलर होगा, सेम होगा, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। और ये किसने बताया था, ये न्यूलैंड्स ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है उसका पॉपुलर नेम क्या है, तो वो है विटामिन सी। विटामिन सी को भी हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26। द एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स इन एग्जांपल ऑफ, तो चार ऑप्शन दिया गया है। तो जो क्रैकर्स होता है वो क्या है? कौन सा एग्जांपल है, ये कंबस्शन का एग्जांपल है, यानी कि जो क्रैकर्स होता है उसमें केमिकल चेंजेस होता है, केमिकल चेंजेस होने के कारण क्या होता है, वो जलता है, दहन होता है उसका, दैट इज कॉल्ड कंबस्शन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन विनेगर, सिरका में प्रमुख रसायन कौन सा है। व्हाट इज द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन विनेगर, तो जो विनेगर होता है उसमें जो डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट होता है वो होता है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं और मीथेन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा कि एसिटिक एसिड को हम लोग इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं और मीथेन कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। और ये किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है विनेगर में। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन दिया है इथेनोइक एसिड, कभी कभी यहाँ पे एसिटिक एसिड भी पूछा जाता है, तो ये भी याद रखना है, या फिर कभी कभी मीथेन कार्बोक्सिलिक एसिड भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, इथेनोइक एसिड, जो विनेगर में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28। अ ट्रेडिशनल बैटरी कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स, तो जो बैटरी होता है उसमें कौन से केमिकल पाया जाता है जो ट्रेडिशनल होता है, तो बैटरी में मेनली हमारा सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज प्रेजेंट इन एंट बाइट्स, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के काटने में मौजूद होता है। तो एंट बाइट्स में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड इसमें होता है, एंट बाइट्स में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, तो केमिकल नेम बेकिंग सोडा का क्या है, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो किसका नाम है, वो IUPAC नेम है इसका। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको IUPAC नेम जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड है, IUPAC दैट इज, इसका आपको याद रखना है IUPAC नेम जितने भी केमिकल्स हैं, क्योंकि केमिकल्स का या तो ट्रेडिशनल नेम पूछता है या फिर IUPAC नेम,
तो आपको आईयूपीएसी नेम भी याद रखना है और ट्रेडिशनल नेम भी याद रखना है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, किसको बोलते हैं, बेकिंग सोडा को। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31, अबाउट 70% ऑफ द सन इज मेड अप ऑफ। तो जो सन जो बना हुआ है उसमें 70% क्या होता है, वो तो हाइड्रोजन होता है, या फिर 28% क्या होता है, हीलियम होता है। हीलियम 28% और हाइड्रोजन 70%। इसके अलावा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का कुछ कुछ पार्ट होता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन। नंबर वन पे हाइड्रोजन, इसके बाद नंबर टू पे हीलियम आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स डैश ऑन कॉन्टेक्ट विथ एसिडिक सॉल्यूशन। तो आपको याद रखना है ब्लू लिटमस जो है रेड हो जाता है क्या, एसिडिक कंडीशन में। ब्लू क्या हो जाता है, रेड हो जाता है एसिडिक कंडीशन में। ये याद हो जाएगा तो आप इस आसानी से आप याद कर सकते हो कि ब्लू जो लिटमस होता है, ब्लू लिटमस रेड हो जाता है किसमें, एसिडिक कंडीशन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन डिटर्जेंट पाउडर। तो डिटर्जेंट पाउडर जो होता है उसमें जो केमिकल पाया जाता है वो सबसे ज्यादा कौन से केमिकल पाया जाता है, तो वो है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द डेडली पॉइजन साइनाइड। साइनाइड का जो केमिकल नेम है वो क्या है, तो साइनाइड का केमिकल नेम इसमें से पूछा जा रहा है ये, तो क्या क्या नाम है इसका, ये देख लो, इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड, या फिर इसे हाइड्रोसाइनिक एसिड भी बोलते हैं, या फिर फॉर्मोनाइट्राइल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मोनाइट्राइल भी बोलते हैं, या फिर प्रूसिक एसिड भी बोलते हैं। तो साइनाइड को हाइड्रोजन साइनाइड ही बोलते हैं, हाइड्रोसाइनिक एसिड भी बोलते हैं, फॉर्मोनाइट्राइल भी बोलते हैं और प्रूसिक एसिड भी बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रूसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, नाइट्रस ऑक्साइड इज द केमिकल नेम ऑफ। तो नाइट्रस ऑक्साइड इसे हम लोग डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर डाई नाइट्रोजन मोनोक्साइड भी बोलते हैं। ये एक केमिकल नेम है, किसका केमिकल नेम है, तो ये एक लाफिंग गैस का केमिकल नेम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लाफिंग गैस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36, द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लिक्विड टू गैस जो चेंज होता है तो उसका क्या नाम है, उसको क्या बोलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, एक हमारा मेल्टिंग होता है, एक सब्लिमेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, एक इवेपोरेशन होता है। तो मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड बनता है, और सब्लिमेशन क्या होता है जो इम्पोर्टेंट है, सब्लिमेशन में सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाता है, लिक्विड के फॉर्म में नहीं आता है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस बनता है, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। उसके अलावा जब गैस से लिक्विड बनता है दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, नॉर्मल है ये भी, और लिक्विड से जो गैस बनता है दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। और इवापोरेशन क्या है, इवापोरेशन इज ए टाइप ऑफ वेपोराइजेशन। और यहाँ पे जो आंसर पूछा है, जो ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन, इसमें एक ऑप्शन वेपोराइजेशन भी है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, वेपोराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट इज मोस्ट प्रोलिफिक इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। उस तत्व को पहचाने जो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक पाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा है क्रस्ट में, तो क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है 46.6% पाया जाता है अर्थ के क्रस्ट में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, और ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, इन 2015 एयरक्राफ्ट मेकर बोइंग डेवलप्ड अ मेटल कॉल्ड। एक मेटल बनाया था बोइंग ने जो हवा से भी लाइटर देन एयर, एयर से भी हल्का था लेकिन स्टील से भी स्ट्रॉन्गर था। तो उस मेटल का नाम क्या था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है और इस मेटल का नाम है माइक्रोलेटिस। तो ये आर्टिफिशियल मेटल है माइक्रोलेटिस, इसने किसने बनाया था, बोइंग ने बनाया था और जनरल मोटर्स के साथ कोलैबोरेट करके बनाया था। तो ये भी आप याद रखना है, तो ये क्या बनाया था, माइक्रोलेटिस। ये एग्जाम में आ सकता है, आने वाले एग्जाम में भी पूछा आ सकता है कि लाइटर देन एयर एंड स्ट्रॉन्गर देन स्टील जो डेवलप किया गया है बोइंग के द्वारा, तो वो है माइक्रोलेटिस। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चंस जो हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे बायो के क्वेश्चंस को, और ये भी सीजीएल 2018 का क्वेश्चंस है जो पूछा गया था 4 जून 2019 से 13 जून 2019 के बीच में। और इस पे हम लोग टोटल जो हमारा क्वेश्चंस आया है बायोलॉजी में वो है 40 क्वेश्चंस। तो 40 क्वेश्चंस को आज हम लोग कवर करेंगे बायोलॉजी का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए। इसके अलावा आप हमारा वेबसाइट पे जाके वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, नेम द ग्लैंड दैट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो उस ग्रंथि का नाम बताना है जो बाकी ग्रंथियों को वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो उस ग्रंथि का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड।
और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। एग्जाम में कभी कभी आ सकता है कि मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड किसे बोलते हैं, तो वो बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, क्या बोलते हैं, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर टू, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन टू आई कैन बी कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय। ये पूछ रहा है कि आंख में जो प्रकाश, जो लाइट आती है, उसको नियंत्रित कौन करता है, उसकी अमाउंट को, या जो कितना जाना चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए लाइट, वो नियंत्रित कौन करता है। तो जैसा कि एग्जाम में जो इसका आंसर था, जो आंसर की आया था, उसमें ये गलत बताया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इरिस। तो जैसा कि आपको पता है, जो ये आंख है, इसमें जो ये भाग है, ये पुपिल है, और ये जो है इरिस भाग है, ठीक है। तो जब लाइट आता है, तो लाइट आता है तो क्या होता है, जब जैसे कि ये दिख रहा है आपको इस फिगर में, इस फिगर में दिख रहा होगा जैसे ब्राइट लाइट है, तो ये यहाँ पे सर्कल बन गया। और जब डीम लाइट हो जाता है, जब अंधेरा आप समझ लो, कम से कम लाइट हो जाता है, तो ये जो पुपिल है ये क्या होता है, ये फैल जाता है। तो ये फैलाने का जो काम है, या सिकुड़ाने, जो सिकुड़ जाता है, इसका किसका काम है, ये इरिस का वर्क है। तो इरिस का जो रेगुलेट है, इरिस जो है रेगुलेट करता है कि पुपिल को कितना फैलना चाहिए या सिकुड़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू ब्राइट लाइट और डिम लाइट। तो ये किसका काम है, ये इरिस का काम है। तो इरिस का काम है कि ये कंट्रोल और रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग इनटू द आई। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इरिस। करेक्ट आंसर इरिस होगा, तो फिर इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच सेल्स इन आवर बॉडी आर पॉपुलरली कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो हमारे शरीर में वो कौन सा सेल्स है जिसे हम लोग मानव शरीर के सैनिक भी को भी कहते हैं उसको, तो वह है हमारा WBC। WBC जो है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको लिकोसाइट्स और लिसोसाइट भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्जर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, क्योंकि जो भी इन्फेक्शस डिजीज होता है, जो हमारे शरीर में जो बीमारी होती है, वो उसके खिलाफ ही लड़ने का काम करता है। लड़ने के काम करने के कारण इसको क्या बोलते हैं, सोल्जर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फोर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, वो होता है कम्युनिकेबल डिजीज जो स्प्रेड होता है, जो फैलता है एक जगह से दूसरे जगह, विभिन्न तरह का जो भी कम्युनिकेशन है उसके थ्रू वो फैलता है। जैसे कि और जो रास्ता है, जो मतलब बहुत सारा कम्युनिकेबल डिजीज फैलने का जो तरीका है, उसमें से एक तरीका है या तो फिजिकल कांटेक्ट किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ होता है, तो उससे होता है। जैसे कि टच से आपको ये बीमारी हो सकती है, या फिर जो HIV होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से HIV हो सकता है। तो और इसे ओरल ट्रांसमिशन, जो हम लोग खाते हैं कुछ गलत, अच्छा नहीं खाते हैं, तो उससे हेपेटाइटिस ए ये हो जाता है, ड्रॉपलेट से इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है। तो ये है हमारा फिजिकल कॉन्टेक्ट के थ्रू। दूसरा होता है कॉन्टेक्ट विथ ए कंटामिनेटेड सर्फेस और ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ये जैसे कि नोवाक वायरस होता है, ये जो फूड खाते हैं उसके थ्रू हम लोग को ये जो सेलमोना ई कोली है ये हो जाता है, और गंदा पानी पीने से क्या होता है, कॉलरा भी हो सकता है। तो ये होता है कंटेक्ट विथ ए कंटेमिनेटेड सर्फेस। इसके अलावा जो जानवर या फिर जो कीड़ा काटता है उसके कारण भी जो बीमारी होता है, जैसे कि मलेरिया हुआ, मॉस्किटो काटने से हो गया, तो ये सब है कम्युनिकेबल डिजीज में आता है। इसके अलावा हवा के थ्रू भी कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है, जिसमें हमारा ट्यूबरक्लोसिस या मिसल्स भी आता है। तो कम्युनिकेबल डिजीज में क्या आता है, जो मिसल्स है, जो हवा के थ्रू आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, खसरा। खसरा जो होता है वो एक संक्रामक रोग है, कम्युनिकेबल डिजीज है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम। तो इस चार में जो जो ऑप्शन दिख रहा है फिलहाल, तो सोयाबीन जो होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है टू। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स, डैश इज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन कंसर्न विद द स्टडी ऑफ प्लांट पोलन स्पोर्स एंड सर्टेन माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म इन बोथ लिविंग एंड फॉसिल फॉर्म। तो ये किस तरह का है, तो ये जो अध्ययन होता है पौधे, प्राग, बीजाणुओं और सूक्ष्म पलवक के जीवों का अध्ययन, ये पेरियोपोलॉजी पेरियोलॉजी से होता है, पेरियोलॉजी के थ्रू करते हैं। पेरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन स्पोर्स, ये सब होता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी के थ्रू होता है। तो ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन, डैश इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस जो होता है, उभयचर जो होता है, उसको स्टडी करने के लिए जो होता है उसको क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं हर्पटोलॉजी। हर्पटोलॉजी के थ्रू हम लोग फ्रॉग्स, टोड्स, या जो स्नेक्स हुआ, जो मेन मेन पार्ट हुआ, टर्टल्स हुआ, क्रोकोडाइल्स हुआ, रेप्टाइल्स जो होता है, ये सारा जो स्टडी करते हैं वो किसमें करते हैं, वो करते हैं हर्पेटोलॉजी में करते हैं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर एट, डैश इज द स्टडी ऑफ माइक्रो एनाटॉमी ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गेन्स एज सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप।
तो माइक्रोस्कोप के थ्रू जो हम लोग देखते हैं कोशिका को, उत्तक को या अंग को, और उसका जो अध्ययन करते हैं वो अध्ययन किसमें करते हैं, वो हिस्टोलॉजी में करते हैं। हिस्टोलॉजी द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस डू ग्रीन पोर्स यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू सिंथेसाइज डैस विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ ये करके सिंथेसाइज जो होता है, जो बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है ग्लूकोज, जो बनाता है हरे पौधे ये बनाते हैं ग्लूकोज। कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का यूज करके, और सूर्य के प्रकाश से जो एनर्जी मिलता है उसका यूज करके ग्लूकोज केमिकल रिएक्शन होता है और ग्लूकोज बनता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम्स ऑफ विल्सन डिजीज। तो विल्सन डिजीज जो होता है ये पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो विल्सन डिजीज जो होता है वो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, यानी कि आनुवंशिक विकार इसके थ्रू होता है। और आनुवंशिक विकार मेनली जो होता है वो जो हमारे बॉडी में जो कॉपर जमते रहता है, जो कॉपर आता है बॉडी में, उस कॉपर के कारण ऐसा होता है। और इसका जो मेनली सिम्टम्स है जो ब्रेन और लिवर में पाया जाता है, और सिम्टम्स क्या क्या है, वोमिटिंग, वीकनेस, और जो पैर फूल जाता है वो हो गया, या जो हमारा स्किन होता है वो पीलापन आ जाता है, ये सब जो है इसका सिम्टम्स हो गया। तो फर्स्ट जो है सेलोइंग ये होता है, जो पैर हमारा जो फूलने लगता है वो हो गया हमारा, ये सही है, ये सिम्टम्स है विल्सन डिजीज का। दूसरा है जो मसल स्टिफनेस, ये भी इसका सिम्टम्स हो गया। और जो फ्लूइड बिल्डअप होता है लेग्स में या एब्डोमन में, जो अभी हम लोग ने देखा था फ्लूइड बिल्डअप इन द एब्डोमन और जो लेग्स में होता है जिसके कारण स्वेलिंग्स हो जाता है, तो ये भी हो गया, ये इसका सिम्टम्स। लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है इसका सिम्टम्स नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नाइट ब्लाइंडनेस है, ये सिम्टम्स नहीं है विल्सन डिजीज का। बाकी ये तीनों जो है सिम्टम्स है विल्सन डिजीज का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। बैरियाट्रिक सर्जरी ब्रिंग्स चेंजेस इन पर्संस। तो जो बैरियाट्रिक सर्जरी होता है ये मेनली क्यों किया जाता है, ये बॉडी में जब समझो कि आप मोटापा हो जाता है, तो मोटापा को कम करने के लिए बैरियाट्रिक सर्जरी किया जाता है। और इसके थ्रू क्या होता है, जो पेट है, पेट में क्या होता है, सर्जरी होता है, और उसमें से कुछ पार्ट जो है पेट का, जहाँ जो फैटी पार्ट होता है ये समझ लो फैटी पार्ट को कम किया जाता है, और इससे मोटापा को कम किया जाता है, वेट लॉस किया जाता है। वेट लॉस इज अचीव्ड बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द स्टोमेक विथ ए गैस्ट्रिक ब्लैंड और थ्रू रिमूवल ऑफ ए पोर्शन ऑफ द स्टोमेक। तो ये होता है, ये किसके थ्रू होता है, बैरियाट्रिक सर्जरी के थ्रू। तो चार ऑप्शन जैसा कि दिख रहा है, तो चार ऑप्शन में हार्ट में तो होगा नहीं, नाक की नली में नहीं होगा, फेफड़े में नहीं होगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें चेंजेस किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी मेनली किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन को इसमें चेंजेस किया जाता है। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। डैश इज डिजीज ऑफ रिकेट्स। तो कौन सा विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का रोग होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। तो इस चारों में जो कार्बन मोनोक्साइड होता है, ये कार्बन मोनोक्साइड क्या करता है, आरबीसी में जो आपको पता है हेमोग्लोबिन होता है, उस हेमोग्लोबिन पे ये सीओ आके बैठ जाता है। और बैठने के कारण क्या होता है, जो हमारा बॉडी में जो ऑक्सीजन जो एक जगह से दूसरे जगह जाता है वो हेमोग्लोबिन का काम होता है। तो सीओ बैठने के कारण क्या होता है, कार्बन मोनोक्साइड बैठने के कारण क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, कभी कभी मनुष्य की मौत भी हो सकती है। ये किस गैस के कारण होता है, तो कार्बन मोनोक्साइड के कारण होता है, ऑप्शन नंबर 3। तो आप सुनते होंगे कभी कभी जो किसी घर में क्या होता है, जनरेटर चल रहा है, पूरा घर पैक है, तो उसमें से जो धुआं निकलता है, धीरे धीरे यही धुआं हमारे सोते हुए लोगों को लग जाता है, जब वो लोग सोया रहता है और उसे पता भी नहीं चलता है कि उसकी मौत कब हो गई। क्योंकि सोते सोते क्या होता है, जब कार्बन मोनोक्साइड धीरे धीरे पूरे हीमोग्लोबिन पे आता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और लोग बेहोश हो जाता है, और बेहोशी की हालत में धीरे धीरे उसकी मौत भी हो जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कार्बन मोनोक्साइड। इसलिए कभी भी जब हम लोग घर में सोते हैं तो जो धुआं होता है, जैसे कि अंगीठी जला दिए या कोई भी जलता हुआ जो धुआं होता है, उसे हमेशा बाहर कर देना चाहिए, एग्जॉस्टर यूज करना चाहिए, ताकि आप जो है उसमें ऑक्सीजन की कमी ना हो सके हमारे हेमोग्लोबिन में, और कार्बन मोनोक्साइड जो है हमारे घर से बाहर जा सके, इसलिए हमेशा घर को खुला रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14। पोलिनेशन बाय बर्ड्स इज कॉल्ड। जो पोलिनेशन होता है बर्ड्स का, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली और बर्ड पोलिनेशन इज द पोलिनेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बाय बर्ड्स। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15। हु वॉन द नोबेल प्राइज। नोबेल पुरस्कार कौन जीता था 1906 में, क्या चीज के लिए, न्यूरॉन सिद्धांत के लिए।
तो जो नर्वस सिस्टम है इसको स्टडी के लिए इस पे जो जो खोज हुआ था, जो भी हुआ था, तो वो किसने किया था? वो किया था सेंटियागो रेमन कैजल ने। तो दो नाम है, एक है कैमिलो गोल्गी है और दूसरा है सेंटियागो कैजल। इस दोनों के कारण ही नर्वस सिस्टम में बहुत खोज किया गया था जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है वो ऑप्शन है हमारा सेंटियागो कैजल, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। द डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है, रतौंधी जो होता है, वो किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्टिजियल ऑर्गेन। तो वेस्टिजियल ऑर्गेन क्या होता है? ये एक ऐसा ऑर्गेन, एक ऐसा अंग होता है हमारे बॉडी में जिसका कोई यूज ना हो। मतलब अगर बॉडी में हमारा वो अंग ना भी हो, फिर भी हम मेरा बॉडी जो है, हमारा बॉडी वो सुचारू रूप से काम कर सकता है, वो अच्छे तरीके से काम कर सकता है इस अंग के बिना भी। तो इस तरह के जो अंग होते हैं वो कुछ अंग है, जो है आपका अपेंडिक्स जो हमारे बॉडी में होता है। इसके अलावा विजडम टीथ होता है जो सबसे पीछे होता है, जिसका कोई यूज नहीं होता है। इसके अलावा जो एक्सटर्नल ईयर होता है, जो आपके कान के जो बाहर का जो पार्ट है, जिसका कोई यूज ना, ये ना नहीं भी रहे तो भी हम लोग सुन सकते हैं। तो एक्सटर्नल ईयर, विजडम टीथ, अपेंडिक्स, ये सब जो कि आप, ये सब कौन सा पार्ट है? ये है वेस्टिजियल ऑर्गेन। तो एग्जाम में आ सकता है क्योंकि यहाँ पे पूछा गया अपेंडिक्स, कल को यहाँ पे विजडम टीथ भी हो सकता है या फिर एक्सटर्नल ईयर भी हो सकता है। तो ये तीनों जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्टिजियल ऑर्गेन का, और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द टर्म हाइबरनेशन। तो हाइबरनेशन जो शब्द होता है वो मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? तो आप जैसा कि आपको पता होगा, हाइबरनेशन जो लैपटॉप में भी यूज करते हैं, लैपटॉप में कब यूज करते हैं? जब हाइबरनेट कर देते हैं तो हमारा सिस्टम तो बंद हो जाता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर चलते रहता है, ऑन करने पे तुरंत खुल जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइबरनेशन। लेकिन हमारे जो एनिमल्स में होता है, जो एनिमल्स में पाया जाता है हाइबरनेशन, जो कुछ जानवरों में पाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है? जो उसका बॉडी होता है उस एनिमल का, वो एनर्जी कम यूज करता है। वो एनर्जी कम यूज करता है क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है वो कम हो जाता है, उसके कारण एनिमल का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो भी ड्रॉप्स हो जाता है, कम हो जाता है। इसका हार्ट बीट भी कम हो जाता है और जो सांस लेता है वो भी धीरे हो जाता है। इससे क्या होता है कि एनर्जी होता है वो कम खर्च करता है। इसके कारण ही जो जो ठंड प्रदेश है वहां पे जानवर जो है बहुत दिनों तक जीवित रहते हैं, जब बहुत ज्यादा वहां पे ठंड या बर्फ पड़ जाती है तब। तो वही हाइबरनेशन एक टाइप हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा स्टेट ऑफ रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ड्यूरिंग विंटर सीजन अमॉन्ग सम एनिमल्स। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेज इन द मेटामॉर्फोसिस ऑफ अ बटरफ्लाई। निम्नलिखित में से कौन एक तितली के रूपांतरण में तीसरा चरण है? तो जो मेटामॉर्फोसिस जो होता है, जो रूपांतरण होता है एक से एडल्ट बनने तक, मतलब एक अंडा से लेके एक एडल्ट बनने तक जो रूपांतरण होता है, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। और ये मेटामॉर्फोसिस जो होता है तितली में, वो चार चरण में होता है। तो चार चरण कौन कौन सा है? एक चरण है हमारा एग फर्स्ट, दूसरा है लार्वा सेकेंड, तीसरा है प्यूपा थर्ड, और चौथा जब वो एडल्ट बन जाता है। तो थर्ड में क्या होता है? प्यूपा बनता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है थर्ड स्टेज, तो थर्ड स्टेज में क्या होता है? प्यूपा बनता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज कार्निवोरस। ये पूछ रहा है इस चार में से वो ऐसा कौन सा प्लांट है जो मांसाहारी है, जो कीट पतंग इसको खाता है। तो इसमें से जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, वेनस फ्लाई ट्रैप, नाम में ही लगा हुआ है फ्लाई ट्रैप, जो फ्लाई होता है उसको ट्रैप कर लेता है, जो भी कीट 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 पतंग होता है उसको वो ट्रैप कर लेता है। तो ये हो गया वीनस फ्लाई ट्रैप। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या ये भी आ सकता है, डायोनिया मुसीपुला। तो डायोनिया मुसीपुला भी इसका आंसर हो सकता है, अगर ये ना होगा तो ये भी। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो, तो ये जो जो होता है फ्लावर, ये फ्लावर क्या करता है, जब भी कोई इंसेक्ट्स आता है तो ये दो ये बंद हो जाता है। तो इस तरह से ये अपना भोजन प्राप्त करता है। तो ये आंसर हो गया इसका वीनस फ्लाई ट्रैप, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। 21 है, हाउ मेनी कैनिन टीथ डज एन एडल्ट ह्यूमन हैव। तो एक वयस्क मनुष्य में जो कैनाइन टीथ होता है वो कितना होता है? तो जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो, कैनाइन टीथ क्या होता है, जो नुकीला होता है इसको बोलते हैं कैनाइन टीथ, और ये कितना होता है, एक दो, एक इधर और एक नीचे। तो टोटल हो गया हमारे पास कितना, चार कैनाइन टीथ हो गया। तो एग्जाम में आपको आ सकता है इंसाइजर्स कितना होता है, कैनाइन टीथ कितना होता है, प्री मोलर्स कितना होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 90, तो ऑप्शन हो जाएगा चार। अगर इंसाइजर्स पूछा जाएगा तो 8 हो जाएगा, प्री मोलर्स पूछा जाएगा तो भी 8 हो जाएगा। और इसके अलावा जो मोलर होता है वो 12 मोलर होता है, जिसमें चार विजडम टीथ भी इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा होगा वो ऑप्शन नंबर 2,
19th कितना होता है? टोटल 4 होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22। विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन? तो किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, एंटीबायोटिक्स आया। और एंटीबायोटिक्स से क्या होता है, जो भी हमारा इन्फेक्शन होता है हमारे बॉडी में वो कम हो जाता है। तो पहले क्या था कि हमारे बॉडी में जो इन्फेक्शन होता था एंटीबायोटिक्स से पहले, जब पेनिसिलिन का आविष्कार नहीं हुआ था तब, तो वो इन्फेक्शन के कारण क्या होता था, बहुत लोगों की मौत हो जाती थी। तो इसके आविष्कार होने के कारण, पेनिसिलिन होने के कारण एंटीबायोटिक्स बना, एंटीबायोटिक्स से क्या हुआ, जो मौत हुआ था होता था वो कम हो गया। क्यों? इन्फेक्शन के कारण। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स इज ओविपेरस? तो कौन सा इसमें जीव है जो अंडप्रजक है, जो अंडा देती है? तो वो है मेढक। फ्रॉग जो होता है वो क्या करती है, वो अंडा देती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24। हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स? तो स्मॉल पॉक्स जो होता है उससे बचने के लिए जो डिस्कवर किया गया है टीका, वो टीका किसने डिस्कवर किया था, वो था एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने ये टीका विकसित किया था। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल फ्लावर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस? मादा फूल के किस भाग में निषेचन होता है? तो मादा फूल के ओवरी जो पार्ट होता है वहां पे निषेचन होता है, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन? तो जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 27। डीएनए इज स्टोर्ड मेजरली इन डैश ऑफ द सेल? तो डीएनए कोशिका के डैश में प्रमुख रूप से संग्रहित होता है। तो डीएनए कोशिका जो होता है वो मेनली न्यूक्लियस जो होता है, सेल न्यूक्लियस, वहां पे वो संग्रहित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, न्यूक्लियस पार्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट? तो इस टाइप के जो क्वेश्चन से बहुत ही इजी है, ये एसएससी में कितनी बार पूछा जा चुका है, सीजीएल 2017 हो चाहे सीएचएसएल हो, जहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है विद फिगर। तो अगर आपने नहीं देखा तो वहां से जाकर फिगर भी देख सकते हैं कि फ्लोएम क्या होता है, जाइलम क्या होता है, किस तरह से वो पूरे पौधे में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लोएम। जैसा कि पता है आपको, जो स्टेम में दो पार्ट होता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, एक एक्स और एक पी होता है। इसमें क्या होता है कि जो जाइलम होता है वो क्या करता है, वाटर्स और जो मिनरल्स होता है उसको जड़ से लेके पत्ती तक ले जाता है, जहां पे पत्ती तक ये ले जाता है। जाइलम में जो होता है वाटर और मिनरल्स, ये पत्ती तक जाता है और यही पत्ती में क्या होता है, जो खाना बनता है, और ये खाना बन के जो पूरे बॉडी, पूरे प्लांट की बॉडी में जाता है वो कौन ले जाता है, वो फ्लोएम का काम होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पूरे बॉडी में, पूरे प्लांट में जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है तो वो कैसे होता है, तो पत्ती में जो खाना बनता है वो पूरे बॉडी में, पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द फ्लोएम। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर? तो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और स्फिग्मोमीटर को हम लोग ब्लड प्रेशर मीटर या फिर ब्लड प्रेशर गॉज भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। डॉली द फर्स्ट क्लोन्ड लिविंग बींग क्रिएटेड एट रोसनेल इंस्टीट्यूट इन स्कॉटलैंड वाज अ डैश? तो जो डॉली फर्स्ट क्लोन जो बनी थी तो वो क्या थी, मतलब कौन सा जानवर थी? तो वो थी भेड़। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31। डैश गैसेस ट्रैप हीट इन द एटमोस्फेयर विच मेक्स द अर्थ वार्मर कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग? तो कुछ गैसेस जो होते हैं वो क्या करता है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो हीट होता है, जो हीट होता है उसको क्या करता है, ट्रैप कर लेता है। जो भी हीट जो हमारे अर्थ में है उसको, हीट को बाहर नहीं जाने देता है, उसको क्या करता है, ट्रैप कर लेता है। तो वो गैसेस कौन कौन सा है, तो वो गैसेस है वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब जो होता है ये क्या करता है, ट्रैप कर लेता है हीट को हमारे एटमॉस्फेयर में, जिससे क्या होता है हमारा जो अर्थ होता है वो वार्मर हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो ये कौन सा गैसेस है, ये होता है ग्रीन हाउस गैसेस। और ग्रीन हाउस गैसेस में जो टाइप है वो है वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। विच ह्यूमन बॉडी पार्ट कैन वेल बी कॉल्ड द केमिकल फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी? तो हमारे ह्यूमन बॉडी बॉडी पार्ट में कौन सा ऐसा एक अंग है जिसे हम लोग केमिकल फैक्ट्री बोलते हैं, रासायनिक कारखाना ही बोलते हैं शरीर का, तो वो कौन सा पार्ट है? तो जैसा कि आपको पता है जो लीवर होता है, लीवर का काम है जो हमारे ब्लड में जो भी टॉक्सिक जो सब्सटेंस होता है उसको वो फिल्टर करता है, ठीक है। तो ये किसका काम है, ये लीवर का काम है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर को केमिकल फैक्ट्री बोलते हैं।
और जैसा कि पता है सपोज कोई व्यक्ति जहर खा के जो मर जाता है या तो मर जाने पे जो पोस्टमार्टम होता है, तो पोस्टमार्टम सबसे पहले लीवर का ही होता है, क्योंकि जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होता है ये सारा जो जहर होता है ये लीवर में ही एक्युमुलेट होता है, यहीं पर जमा रहता है और यही लीवर का काम होता है। लीवर क्या करता है, पूरे शरीर में जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो फिल्टर करते रहता है थ्रू द ब्लड। तो जो केमिकल फैक्ट्री है हमारे बॉडी का वो कौन है, वो है हमारा लीवर, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, बोथ हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन रिक्वायर्ड डैश फॉर फॉर्मेशन। तो जैसा कि आपको पता है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स है, ये जो होता है ये क्या है, ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स होता है, और इसे गठन के लिए आयरन का होना जरूरी है, और यही आयरन क्या होता है, ऑक्सीजन से बाउंड होता है, तो इसके लिए क्या रिक्वायर जरूरी है, इसके लिए आयरन होना जरूरी है, लोहा होना जरूरी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो कि जैसे कि आपको पता है किसी व्यक्ति को जब खून की कमी हो जाती है तो उसे जो टॉनिक दिया जाता है उसमें वो आयरन ही होता है जो वो पीता है, वही आयरन में जो ऑक्सीजन बाउंड होता है और उससे क्या होता है, खून बनता है, ब्लड बनता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज ब्लड प्रोड्यूस्ड। तो ये पूछा जा रहा है कि जो रक्त का उत्पादन होता है किस पार्ट में होता है, तो जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो में क्या होता है, रक्त का उत्पादन होता है, रेड ये ब्लड सेल जो ब्लड है वो बनता है, इसके अलावा इसमें जो प्लेटलेट्स होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेटलेट्स ये भी बनता है, जैसे कि आपको डेंगू हो जाए, किसी को डेंगू हो जाता है तो डेंगू होने के बाद जो प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है, तो इसी यही प्लेटलेट्स जो होता है ये कहाँ बनता है, बोनों में, बोन मैरो में बनता है, और यही प्लेटलेट्स जो होता है हम लोग उस डेंगू वाले मरीज को देते हैं तो वो जिंदा बचा रहता है, अगर ये प्लेटलेट्स बहुत ही कम हो जाए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है, तो ये प्लेटलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बोन, और ये कहाँ बनता है, ये बोन मैरो में ही बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल्स द मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। तो जो हमारे पार्ट में, जो हमारे ब्रेन में, जो हमारे ब्रेन में जो पीछे का पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेरिबेलम, और यही सेरिबेलम जो है वो क्या करता है, मसल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, और इसके थ्रू जो हमारा आसन संतुलन या जो बैलेंस इक्विलिब्रियम ये सब मेंटेन होता है, तो ये किसके थ्रू होता है, ये सेरिबेलम के थ्रू होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, सेरिबेलम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड एड्स डे 2018। तो जो थीम था वर्ल्ड एड्स डे 2018, इसका थीम का नाम क्या था, तो ये थीम का नाम था नो योर स्टेटस। ये एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है लेकिन ये बायोलॉजी में भी आ सकता है और इसे हमने बायोलॉजी में रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो योर स्टेटस, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड। तो जो स्टडी होता है इंसेक्ट का उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। तो जो ये जो आपको दिख रहा है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स या स्टडी ऑफ पॉलिनेशन जो आप हमने देखा, चार पांच क्वेश्चन जो था वो डायरेक्टली इस पे आया था स्टडी ऑफ समथिंग। तो ये एग्जाम में बायोलॉजी के जो पेपर जो भी आते हैं क्वेश्चंस उसमें ये अच्छे खासे आते हैं, एसएससी के हर एक एग्जाम में स्टडी ऑफ समथिंग जो आता ही आता है, तो आप इनको एक याद कर लो, स्टडी ऑफ समथिंग जो भी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एसएससी एग्जाम के लिए भी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, इन विच मेडिकल कंडीशन इज द आईज ऑप्टिक नर्व डैमेज्ड एंड द कंडीशन वर्सन ओवर टाइम। तो किस चिकित्सा स्थिति में आंख की जो ऑप्टिक तंत्रिका होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो ये पूछा जा रहा है इसमें कौन सा इसमें होगा स्थिति, तो ये है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या होता है, उसमें समय के साथ साथ क्या होता है कि हमारे आंख में जो होता है प्रेशर बिल्ड होने लगता है, तो जो प्रेशर बिल्ड होता है उसके कारण जो होता है हमारा ऑप्टिक नर्व होता है, वो जो ऑप्टिक नर्व होता है वो क्या होता है, वो डैमेज होने लगता है, तो उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, उस स्थिति को हम लोग ग्लूकोमा बोलते हैं। तो यहाँ पे ही पूछा जा रहा है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 39, विल्सन्स डिजीज इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर व्हिच एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ डैश एक्युमुलेट इन द बॉडी। तभी हम लोगों ने देखा था कि जो विल्सन डिजीज है वो क्या था, तो कॉपर जो हमारे बॉडी में आने लगता है, जमा होने लगता है, उसके कारण ये विल्सन डिजीज होता है, और विल्सन डिजीज आपको पता ही, जो पूरे हमारे बॉडी में, हमारे पेट में स्वेलिंग होने लगता है या फिर पैर में पैर फूल जाता है, ये सब क्या है, विल्सन डिजीज के कारण ही होता है जो हम लोगों ने अभी देखा था। तो ये किसके कारण होता था, तो ये कॉपर के कारण होता था, कॉपर क्या होता था, हमारी बॉडी में जमा होने लगता था जिसके कारण विल्सन डिजीज होता था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कॉपर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी हैज डैश डैश बोन्स। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, जो हमारे एडल्ट बॉडी, यहाँ पूछा जा रहा है एडल्ट, अगर ये पूछा जाता है कि जन्म के समय कितना बोन्स होता है, हड्डी होता है, तो वो होता है 270। ये आपको ध्यान देना है कि स्टार्टिंग में जब जन्म होता है तो 270 होता है, और जब यही बॉडी जब धीरे धीरे एडल्ट जब हम लोग बड़े होने लगते हैं
ये घट के कितना हो जाता है, ये घट के 206 हो जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है एडल्ट ह्यूमन बॉडी वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है, ऑप्शन नंबर 2, और जो बच्चा होता है उसमें 270 के आसपास होता है। तो ये था हमारा बायो का क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिक्स का, और फिजिक्स में जो ज़्यादातर क्वेश्चंस थे वो इन्वेंटर्स, इनोवेशंस, डिस्कवरीज, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का टॉपिक है फिजिक्स। इसमें टोटल हमारे पास 16 क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में पूछा गया था, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ईजी है आप बोल सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू बायोलॉजी और केमिस्ट्री। जो फिजिक्स का पार्ट है वो थोड़ा ईजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, हु फाउंडेड द नेम द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की खोज किसने किया था और क्या नाम, किसने नाम दिया था? तो ये नाम दिया था एंड्रे मैरी एम्पियर ने। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। एंड्रे मैरी एम्पियर ने इसका नाम दिया था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसे हम लोग बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि आपको पता है एंड्रे मैरी एम्पियर, जिसके नाम से हमारा इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो भी है एम्पियर, जो इन्हीं का है, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, टीवी रिमोट कंट्रोल्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है वो किसके सिद्धांत पे काम करता है? तो ये इंफ्रारेड सिद्धांत पे काम करता है। जो रिमोट होता है उसमें क्या होता है, उसमें से लाइट निकलता है, इंफ्रारेड लाइट निकलता है, जो एक पल्सेस होता है, और ये बाइनरी कोड का होता है। ये भी एग्जाम में आ सकता है, किस कोड का होता है, ये बाइनरी कोड्स का होता है, जो टीवी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड वेव्स, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जे जे थॉम्सन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ। तो जे जे थॉम्सन को जो नोबेल पुरस्कार मिला भौतिकी में, किसके खोज के लिए मिला था? तो ये मिला था इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए 1897 में जे थॉम्सन को ये इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए उसे नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, पेरी क्यूरी शेयर्ड द 1903 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स विथ हिज वाइफ मैरी क्यूरी एंड हेनरी बेकरेल फॉर देयर डिस्कवरीज रिलेटेड टू। तो इन तीनों ने जो डिस्कवरी किया था वो किसका डिस्कवरी था, रिसर्च क्या था जिसपे इन लोगों को नोबेल प्राइज मिला था 1903 ईस्वी में? तो वो था रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी पे से खोज के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ब्राजीलियन फिजिसिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर डैश वॉज अवार्डेड द 2019 टेम्पल्टन प्राइज वर्थ $1.4 million फॉर हिज वर्क ब्लेंडिंग साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। तो जो टेम्पल्टन प्राइज था 2019 का, वो किसे दिया गया था, जो एक फिजिसिस्ट और एक एस्ट्रोनॉमर भी था, और इसने जो है साइंस और स्पिरिचुअलिटी इस दोनों को मिक्स किया था, अध्यात्म और विज्ञान दोनों को मिक्स करके इन्होंने मतलब एक अपना इस पर काम किया था, जिसके फलस्वरूप इन्हें 2019 का टेम्पल्टन प्राइज मिला था। तो वो कौन है, तो वो है मार्सिलो ग्लेसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। मार्सिलो ग्लेसर है जिसे ये प्राइज मिला था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, हु इन्वेंटेड द एटॉमिक बैटरी इन 1912। तो 1912 में जो परमाणु बैटरी का आविष्कार हुआ था वो किसने किया था, वो किया था हेनरी मोस्ले। 1912-13 में जो एटॉमिक बैटरी का आविष्कार किसने किया था, हेनरी मोस्ले ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, डैश कोडिफाइड द फर्स्ट टू लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड डिडक्टेड दैट द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर इज -273.15°C। तो फर्स्ट टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जो कोडिफाई किया था, और इसके फलस्वरूप इन्होंने एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर जो -273.15°C होता है ये बताया था। तो ये किसने बताया था, तो ये बताया था विलियम थॉम्सन ने ये बताया था, और जिन्हें बाद में लॉर्ड केल्विन के नाम से भी जाना गया। और इसके लिए, ये खोज के लिए इन्हें क्या है, इन्हें केल्विन तापमान स्केल के नामांकन से भी से सम्मानित किया गया, इसलिए इनका नाम लॉर्ड केल्विन भी पड़ा, लॉर्ड केल्विन यानी कि विलियम थॉम्सन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विलियम थॉम्सन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, अ नॉटिकल माइल इज इक्वल टू, एक समुद्री मील किसके बराबर होता है, वो होता है 1852 मीटर के बराबर होता है एक समुद्री मील। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू डैश प्रेशर इज इक्वल टू द फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। तो जो पास्कल्स लॉ होता है इसका फॉर्मूला ही होता है फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय द जो एरिया होता है वही इसका फॉर्मूला होता है, और यही जो लॉ होता है पास्कल्स लॉ, इसी के तहत जो हाइड्रोलिक पावर है वो वर्क करता है,
और जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे जो हैवी मशीनरीज होते हैं वो यूज़ करते हैं किसी भी सामान को लिफ्ट करने में, तो वो हाइड्रोलिक पावर के थ्रू करते हैं। और ये जो मशीन वर्क करता है वो किस पे वर्क करता है? ये मशीन वर्क करता है पास्कल्स लॉ पे। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द हीट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। तो पृथ्वी की ऊष्मा से जो ऊर्जा मिलता है, जो पृथ्वी की जो ऊष्मा निकलती है उससे जो ऊर्जा मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं जियो थर्मल एनर्जी। जो पृथ्वी की ऊष्मा होती है तो इसे बोलते हैं जियो थर्मल एनर्जी। इस एनर्जी का नाम है जियो थर्मल एनर्जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो यूनिट है डेसिबल्स। डेसिबल्स से हम लोग क्या करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करते हैं, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12, रजत हैज हाइपरमाइट्रोपिया, व्हाट टाइप ऑफ लेंस विल द ऑप्टोमोलॉजिस्ट रिकमेंड टू करेक्ट हिज विजन। तो रजत को क्या है? रजत को हाइपरमेट्रोपिया है। अगर हाइपरमेट्रोपिया है यानी कि जो दूर की वस्तु है, दूर की वस्तु उसे दिखेगी लेकिन नजदीक की वस्तु जो है उसे नहीं दिखेगी। दूर की वस्तु उसे दिखेगी लेकिन नजदीक की जो वस्तु होगी वो नहीं दिखेगी, दैट इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। यानी इसे हम लोग हाइप्रोपिया भी बोलते हैं या फिर लॉन्ग साइटेड भी बोलते हैं। तो इस तरह का जो बीमारी होता है जो जिसके कारण दूर की वस्तु दिखती है और नजदीक की वस्तु नहीं दिखती है, इसके लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं? तो हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। तो जो डॉक्टर होगा, जो नेत्र रोग विशेषज्ञ होगा, वो कौन सा लेंस देगा इसे? तो इसे कन्वेक्स लेंस देगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13, द टर्म डैश इज प्रीफिक्स टू साइंटिफिक टर्म्स टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज कॉन्स्टेंट। तो ये बोल रहा है कि एक ये जो चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस चार ऑप्शन में एक ऐसा टर्म है जो एक क्या है? साइंटिफिक टर्म है। तो वो साइंटिफिक टर्म कौन है? तो जैसा कि आपको पता है जो ISO होता है, फोटो तो हो नहीं सकता है, ISO जो होता है ये एक साइंटिफिक टर्म है और इसका फुल फॉर्म होता है, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये आप याद कर लो, आने वाले एग्जाम में ये आ सकता है। ISO का फुल फॉर्म ये है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये क्या है? ये एक साइंटिफिक टर्म है ISO। ISO के थ्रू क्या होता है? जो भी प्रोडक्ट होता है, सर्विस होता है, जो सिस्टम होता है उसको एक स्पेसिफिकेशन दिया जाता है। जो क्वालिटी होता है वो डिपेंड करता है इस ISO पे। तो ISO एक टाइप का क्या है? एक टाइप का रिसर्च टाइप का है जिसके थ्रू हम लोग प्रोडक्ट, सर्विस और सिस्टम को अच्छा बनाते हैं, जिसमें कुछ क्वालिटी होता है, सेफ्टी होता है और एफिशिएंट होता है, उस तरह के प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो वो जो जो होता है टर्म, वो टर्म है ISO। तो ISO क्या है? एक साइंटिफिक टर्म है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड मेजर करने के लिए जो यूनिट होता है वो क्या है? वो है टेक्सला। टेक्सला इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए हम लोग टेक्सला का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15, विंड टर्बाइन्स कन्वर्ट डैश एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो जो विंड टर्बाइन होता है वो क्या होता है? तो विंड टर्बाइन में जो हवा आता है, हवा के कारण उसमें जो ब्लेड होता है, ब्लेड क्या करता है? ब्लेड मूव करता है। ब्लेड मूव करता है उसके कारण काइनेटिक एनर्जी जो होता है विंड का, जो विंड में जो काइनेटिक एनर्जी होता है हवा में, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और उसी मैकेनिकल एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं? या तो पंप चलाते हैं वाटर के लिए, या फिर बिजली पैदा करते हैं, या फिर ग्राइंडिंग ग्रेन मतलब जो अनाज होता है उसे भी पीसने में काम आता है। तो इस विंड टर्बाइन का यही काम है कि काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी यानी कि मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विंड टर्बाइन कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय एन अननोन सोर्स इन टर्म्स ऑफ ए स्टैंडर्ड सोर्स। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर करने के लिए हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है? किसी सोर्स का इंटेंसिटी मेजर करते हैं और जो मेजर करते हैं वो रेफरेंस लेते हैं किसी स्टैंडर्ड सोर्स से। तो इस तरह से हम लोग इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो ये किससे मेजर करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? तो ये इंस्ट्रूमेंट होता है फोटोमीटर, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। फोटोमीटर मीटर से हम लोग इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर करते हैं किसी भी अननोन सोर्स का बाय रेफरिंग द स्टैंडर्ड सोर्स। तो ये था हमारा टोटल 60 क्वेश्चंस जो CGL 2018 में पूछा गया था। और इसके अलावा और भी टॉपिक है जिसपे वीडियो बन चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में जो हमारा होगा, क्वालिटी सारे को कवर करेंगे।